नमस्कार, आज हम बात करते हैं फॉक्सटेल फर्न की। तो ये मेरे सामने फॉक्सटेल फर्न है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना फर्न है। इसके कितना तो इसमें रूट बाउंडिंग हो रखी है और ये देखिए इसके रूट नोड्स जिसमें कि ये वाटर स्टोर करके रखता है। और अगर मैं इसको तोड़ के दिखाऊं आपको तो ये देखिए कितना सारा इसमें इसने पानी सेव करके रखा हुआ है। तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसमें वाटर सेव करके रखता है। और मैंने कहीं पे दोस्तों पढ़ा था और देखा था कि इसको हम डिवाइड करके दो मतलब जब इसका रूट बॉल इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना पुराना हो जाए, तो इसके ये वाटर रूट्स के साथ अगर हम इसके वाटर नोड्स को भी ट्रांसप्लांट करें हाफ में डिवाइड करके, तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा इससे। तो अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा रूट लॉकिंग हो गई है, मुझे इसको बहुत आराम से निकालना करके डिवाइड करना पड़ेगा। और दो क्या, मुझे तो लगता है ये आराम से तीन में डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत ही घना, बहुत ही अच्छा, और इस सीज़न में तो ये बहुत अच्छे से हो रहा है। आज डेट है 7th of April। तो हम इसको डिवाइड, इसका ये ओरिजिनल पॉट है, हम इसको डिवाइड करेंगे दो पॉट्स में और या तो तीन पॉट्स में, और फिर मैं इसकी अपडेटेड वीडियो आपको बना के शेयर करूँगी। तो देखते हैं कि ये सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। अब मेरे सामने ये दो फर्न्स डिवाइड हो, मतलब एक फर्न दो पीसेस में डिवाइड हो गया है, ये देखिए। और ये देखिए एक ये दूसरा, और इसकी रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही टफ था इनको सेपरेट आउट करना। इसको मुझे ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया। और अब ये वाला तो मेरा जो बड़ा फर्न है, ये देखिए ये तो एज इट इज़ जाएगा इस बड़े वाले पॉट में जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इस वाले में। और ये जो छोटा वाला फर्न है इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा और डिवाइड कर लूँ, ये देखिए इसको मैं थोड़ा और डिवाइड करूँ और दो छोटे पॉट्स में इसको लगा दूँ। और बाकी के ये जो रूट्स मेरे पास बच रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी नोड्स हैं, ये देखिए काफ़ी टफ नोड्स हैं, तो इनको मैं अलग से अपने पॉट में विथ सॉइल लगा के देखती हूँ, शायद इनमें से कुछ ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड। तो अब मेरे पास ये दो छोटे प्लांटर्स आ गए हैं फर्न के, एक ये देखिए और एक ये देखिए, काफ़ी थिक हेल्दी प्लांट्स हैं इसमें। और एक ये हमने पॉट तैयार किया है जिसमें कि सिर्फ रूट नोड्स और रूट्स हैं, और जो ओरिजिनल प्लांटर था उसकी पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कितना हेल्दी, और अभी देखिएगा उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए ये है हमारा वो पहले वाला प्लांटर, और इसकी ग्रोथ देखिए, पहले बहुत बूशी था, अब हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस पॉट में, जितना इसको होना चाहिए अभी उतनी ही ग्रोथ है इसकी। और ये बहुत ही जल्द जैसे इसमें पानी खा और पानी पड़ेगा और कुछ टाइम लगेगा इसके नोड्स को हील अप होने में और नए नोड्स रिपेयर होने में, उतने दिनों में हार्डली 7 to 10 days में ये और बुशी हो जाएगा और हेल्दी हो जाए। हेल्दी तो एक खैर ये अभी भी है, बट ये अनहेल्दी होता जा रहा था क्योंकि इसकी सारे के सारे रूट्स बहुत बाहर आ गए थे और रूट बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो उसके लिए हमने इसको इसका प्रोपोगेशन इंक्रीज़ किया, प्लस हमने इसको हेल्दी करने के लिए इसके रूट बाउंडिंग को कम किया।